नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में तीनों सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। इनमें हमीरपुर सीट पर बीजेपी से आशीष शर्मा और कांग्रेस से पुष्पेंद्र वर्मा के बीच मुकाबला है। उधर देहरा की बात करें, देहरा सीट पर कांग्रेस से सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर और बीजेपी से होशियार सिंह मैदान में है। और तीसरी विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हो रहा है वो है नालागढ़, जिस पर कांग्रेस से हरदीप बाबा और बीजेपी से कृष्णलाल ठाकुर के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। आज तो विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार हैं कमलेश ठाकुर, हैं देहरा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी से देहरा से आपको बता दें कि होशियार सिंह ताल ठोक रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी को आप देख पा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार हैं ये दोनों देहरा से। दरअसल बेहद दिलचस्प जो तीनों सीटों पर उपचुनाव है वो इस वक्त नजर आ रहा है। भले ही इन उपचुनावों का नतीजों का प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ेगा, संख्या पर पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी नाक का सवाल एक तरह से बना लिया गया है दोनों ही तरफ की ओर से। बात करें अगली सीट की, नालागढ़ में हरदीप बाबा हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के कृष्णलाल ठाकुर मैदान में है, जिनके बीच ये दिलचस्प मुकाबला है। इसी तरह से तीसरी सीट है हमीरपुर, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा है कांग्रेस के प्रत्याशी, ताल ठोक रहे हैं। आशीष शर्मा है बीजेपी के उम्मीदवार है हमीरपुर से। ये दोनों प्रत्याशी हैं एक दूसरे के बीच में ये मुकाबला। आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव के बीच में यहाँ पर 13 प्रत्याशी अपने भाग्य का अपने किस्मत यहाँ पर अजमा रहे हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा है कांग्रेस के प्रत्याशी हमीरपुर से। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी उपचुनाव से जुड़ी हुई बता दें, हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। उन तीन सीटों में कौन सी सीटें हैं? सबसे पहली हमीरपुर है, दूसरी देहरा है। देहरा इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और उसका कारण है सीएम की पत्नी यहां से मैदान में है। और तीसरी सीट है नालागढ़ सीट। तो सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो केंद्रों पर यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है, फोर्स की तैनाती की गई है। हिमाचल के तीन विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। हमीरपुर, देहरा, नालागढ़ सीट पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मतदाताओं में भी यहाँ पर भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, सभी इंतजाम यहाँ पर व्यापक हैं। सुबह से लगातार लोग वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन तीन सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है। किस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार ने दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया है, इन तीनों ही सीटों पर एकजुटता दिखाने की कोशिशें हुई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से तीनों जो उम्मीदवार हैं, दरअसल इन तीनों सीटों पर उपचुनाव का बड़ा कारण यह है कि तीनों ही निर्दलियों ने इस्तीफा दे दिया था अपनी विधायकी से और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। और उन तीनों ही निर्दलीय विधायकों को बतौर उम्मीदवार बीजेपी ने मौका दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका जो फैसला है 13 तारीख को, यानी ठीक दो दिनों के बाद हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। जैसा कि पहले कहा कि इन उपचुनावों का जो असर है, प्रभाव है, ना सरकार पर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होगा नतीजा किस तरफ आएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरा से। सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से वहां पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है? जो अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि भारी गर्मी के कारण जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो मतदान केंद्र हैं उन पर भी जो है अब भीड़ जो है देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इस बीच जो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पुलिस के जवान जो है इतनी गर्मी के बावजूद भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है और अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से जो जब दिन ढलने शुरू होगा, जिस तरह से शाम आना शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं जब ये धूप की तपिश कम होगी तो उम्मीद जता रहे हैं कि लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी कुछ बिल्कुल सर, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच हमीरपुर आपको लेकर चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता अशोक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं पल पल की जानकारी के लिए। अशोक, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और लोगों में उत्साह नजर आ रहा है क्या?
देखिए जी, हमीरपुर में सुबह सुबह जो था काफी लोग जो अपने मतदान करने के लिए पहुंचे थे, काफी भीड़ थी। लेकिन जैसे ही धूप पड़ना शुरू हुई तो मतदान केंद्रों पर जो है कि भीड़ कम होना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 1 बजे तक जो है हमीरपुर में जो है 47% जो है मतदान हो चुका है। दोपहर बाद जो है मतदाताओं की संख्या जो केंद्र है मतदान केंद्र वहां पर बढ़ेगी, क्योंकि अभी धूप पड़ी हुई है तो कम ही लोग जो है घर से निकल रहे हैं। जी सौरभ, आपके पास आते हुए वहां पर लोगों में उत्साह किस तरह की है, अगर बात करें व्यवस्थाएं किस तरह की है, चूंकि आप बता रहे थे कि गर्मी वहां पर बहुत ज्यादा है। कहूंगा कि इन उपचुनावों को लेकर जो है जिला कांगड़ा प्रशासन ने काफी समय पहले से ही जो है सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी। उससे पहले जैसे आज चुनाव होने तो पिछले कल भी जो है यहाँ के जो चुनाव प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी तमाम सारी चीजों को देखा था कि किस तरह से जो चुनाव है तैयारियां हैं वो किस तरह से की गई हैं। इसके साथ ही मैं खुशबू बताना चाहूंगा कि जो पानी पीने की व्यवस्था है, जो लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए जो आने वाले हैं मतदान केंद्रों पे, उनके पानी की व्यवस्था की जा रही, सभी तमाम जो सुविधाएं हैं खुशबू वो जो है उन मतदान करने के लिए जो लोग आने वाले हैं उनके लिए की गई है। जी सौरभ, एक सवाल यहाँ पर है, चूंकि देहरा सीट वो सीट है जहाँ से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी खुद मैदान में कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। देखा हमने किस तरह से जो चुनाव प्रचार है पूरी कांग्रेस पार्टी ने और बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों ने भी यहाँ पर आकर एक तरह से मोर्चा संभाला और प्रचार किया। इन तमाम चीजों को देखें तो किस तरह से रहा है देहरा का पूरा उपचुनाव? देखिए रितेश, बताना चाहूंगा कि देहरा की जो जनता उसका अक्सर यही कहना रहा है कि जो भी सरकार, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जो भी सत्ता में आई है लेकिन उसने देहरा क्षेत्र के साथ जो है कहीं ना कहीं अनदेखी की है। अब जब ऐसे में चुनाव का वक्त आया है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद देहरा में आए थे, उनकी धर्मपत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ जो है हुशियार सिंह जो है चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ की जनता का जो अहम मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि यहाँ देहरा विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो नहीं हो पाया है, इसको लेकर जो है मतदाता जो है आज अपने मत का प्रयोग करते हैं। बने रहिए सौरभ, तमाम जानकारी के साथ आपके पास लौटेंगे, लेकिन इससे बेशक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक मतदान का जो फिस्ती रहा है, जो आंकड़ा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देहरा की बात करें, देहरा विधानसभा क्षेत्र में 40.47% वोटिंग प्रक्रिया रही है। इसी तरह से हमीरपुर में भी 47% को क्रॉस कर गया है मतदान का आंकड़ा। नालागढ़ में देखिए 50 जो है मतदान प्रतिशत ने लगा लिए, 51% से भी ज्यादा वोट अभी तक वहां पड़ चुके हैं। हालांकि तीनों ही सीटों पर देखा जाए तो वोट ठीक ठाक तरीके से पड़ रहा है। दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो कमोबेश 50% के आसपास ही नजर आ रहा है। देहरा में 46.47% अभी तक वोटिंग हुई है। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता बने हुए लगातार, हमीरपुर से हमारे साथ अशोक राणा हैं और देहरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ अटवाल, जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अशोक, हमीरपुर में मुकाबला कितना दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी पूरी जो ताकत है वो झोंक दी गई थी प्रचार के दौरान। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमीरपुर में जो है जो सत्ता पक्ष है, तमाम मंत्री जो है सरकार के हमीरपुर में पहुंचे थे और लोगों से यही अपील की जा रही थी कि सरकार रहते हुए हमीरपुर का काफी विकास होगा। सरकार का कहना है कि हमीरपुर में जो विकास हुआ है जो कांग्रेस पार्टी के समय ही विकास हो पाया है, लेकिन भाजपा इस दौरान दिखे प्रहार करके रहा है, क्योंकि भाजपा ने कहा कि यहाँ पर जो हमीरपुर का विकास है वो केवल भाजपा की देन है, क्योंकि यहाँ की बसैन की बात की जाए या अन्य कॉलेजों की बात की जाए तो भाजपा की ही देन है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर भी यहाँ तीखी नजर आई। कांग्रेस ने कहा कि जो हमीरपुर का बस स्टैंड है पिछले 12 सालों से नहीं बन पाया, लेकिन जैसे ही सुक्खू सरकार सत्ता में आई तो यहाँ पर जो है बस स्टैंड बनने का काम जो है शुरू हो गया। अशोक, वहां पर किस तरह के मुकाबला आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तीनों विधायकों का इस्तीफा हुआ उसके बाद इस तरह के उपचुनाव यहाँ पर चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मुकाबला किस ओर करवट ले रहा है? लेकिन मुकाबला हमीरपुर में ऐसा है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है दोनों प्रत्याशियों में, जहां भाजपा कह रही है कि जो हमीरपुर का विकास जो है भाजपा की देन है, वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि जो हमीरपुर में विकास होगा
भी केवल कांग्रेस पार्टी ही करवाएगी। लगातार जो कांग्रेस के मंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने लोगों से यही अपील की है कि सरकार स्थिर है और पूरा जो यहां का विकास होगा आने वाले समय में 3 सालों में जो है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है विकास किया जाएगा। वहीं अगर हमीरपुर शहर के सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है हमीरपुर का शहर का जो है सौंदर्यीकरण जो है करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है जी। और आपको इस बीच एक और बड़ी जानकारी उपचुनाव से जुड़ी बता दें, जहां नालागढ़ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हरदीप बाबा, उन्होंने सह परिवार वोट कास्ट किया है। परिवार के साथ जाकर पोलिंग केंद्र पर उन्होंने वोट कास्ट किया। इस दौरान उनके परिवार के लोग मौजूद रहे, साथ ही साथ उन्होंने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, मुद्दे किस तरह के रहे हैं इन उपचुनावों में, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार एक मुद्दा इस पूरे उपचुनाव के दौरान उठाते रहे, वो ये था कि बीजेपी सरकार गिराने की साजिशों में शामिल रही, लगातार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। इन तीनों ही निर्दलीय विधायक जो थे उनका इस्तीफा भी वो इसी तरह से जोड़कर बताते रहे और कहते रहे कि जनता के साथ विश्वासघात किया है। एक तरफ ये नैरेटिव था, दूसरी तरफ बीजेपी नैरेटिव लगातार ये करती रही कि खुद सरकार के जो लोग हैं वो इनके साथ नहीं है, जनता से विश्वास खत्म होता जा रहा है। किस तरफ का जो प्रचार था, किस तरफ का जो नैरेटिव था वो उपचुनावों में हावी रहा और मुद्दे क्या कुछ रहे हैं इस दौरान? और देखिए रितेश, जब चुनावी समय आता है तो रोप और प्रत्यारोप का जो दौर होता है वो शुरू हो जाता है। जिस तरह से भाजपा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आरोप लगा रही थी, वही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जो है वो भाजपा पे आरोप लगा रहे थे कि जो आजाद रूप में लड़े थे और फिर उसके बाद उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया, अगर वो उन्होंने दोबारा उपचुनाव ही लड़ना था तो पहले इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे कई मुद्दे यहाँ पर क्षेत्र के जो निकल के सामने आते हैं, लेकिन मुझे सबसे अहम मुद्दा सिर्फ एक ही आज निकल के आ रहा है कि देहरा का विकास जो है वो ना भाजपा करवा पाई है और ना ही कांग्रेस करवा पाई है। इसी को लेकर जो है इस क्षेत्र के लोग जो है आज अपना मतदान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है, ये तीनों सीटों पर उपचुनाव जारी है और लगातार यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से दोनों तीनों जगहों पर उपचुनाव चल रहा है और यहाँ पर जो मतदाता है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयराम ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रदेश में ईडी की कार्यवाही से हड़कंप भी मचा है, ये जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। गौरतलब है कि ईडी ने हिमाचल में कुछ स्थानों पर छापेमारी की है और जो आरोप है वो मुख्यमंत्री के करीबियों पर लगाया जा रहा है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो कई मुद्दों को लेकर सरकार पर बेहद ही आक्रामक रुख लगातार बनाए हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर निशाना साधा है। तो जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़ी बातें कही हैं। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है सरकार, तो प्रदेश में ईडी की कार्यवाही से हड़कंप भी मचा है, ईडी ने हिमाचल में कुछ स्थानों पर रेड की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कई बड़े गंभीर आरोप भी यहां पर लगाए गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विकास शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ चुके हैं। विकास, से आप पर जयराम ठाकुर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और कई बड़ी बातें कही गई है, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए पिछले कुछ मतलब दो हफ्तों से अगर हम बात करें तो गलत नहीं होगा, दो हफ्ते से लगातार ये खबर जो है वो हिमाचल प्रदेश में आग की तरह फैल चुकी है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ईडी और इनकम टैक्स के जो है वो लगातार छापेमारी जो है कई जगह पे देखी जा रही है। हमीरपुर जिला को फोकस किया गया है और हमीरपुर जिला के साथ साथ जो उसके साथ लगता कांगड़ा जिला है, उसका ज्वालामुखी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी कुछ जगह छापेमारी जो है वो ईडी की यहाँ पर हुई है। कई ऐसे दस्तावेज जो हैं जिन्हें संदिग्ध बताया जा रहा है, कई लोगों के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा गया है जिन्हें संदिग्ध जो है वो यहाँ पर ईडी की तरफ से कहा गया है। खास तौर पर ये देखा गया है कि जो सरकारी खजाना है उसके अंदर किस तरह से सेंधमारी की गई है, कहाँ सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता जो है वो इसके अंदर पाई गई है। ईडी के अधिकारियों ने जब छापेमारी की, मौके से बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो बरामद हुई हैं जिन्हें संदिग्ध
कागजात के तौर पर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार छापेमारी जो है वो हो रही है और हो भी चुकी है, जिनमें लगातार संदिग्ध जो कागजात है, जो दस्तावेज है, वो यहाँ पर मिले हैं। ईडी का ये कहना है, जो सूत्र हमारे बताते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें राजनीतिक संरक्षण जो है वो पूरी तरह से दिया गया है। और इसी बात का जिक्र जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार लगातार अपने करीबियों को फायदा यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है और जिसका कोई ख्याल जो है वो यहाँ पर नहीं रखा जा रहा, और ऐसे में अनियमितताओं का भंडार जो है वो हिमाचल प्रदेश में इन 18 महीनों की सरकार ने जो है वो करके दिखाया है। तो इस तरह की बातें लगातार विपक्ष की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही हैं। लेकिन आज की खबर यही है कि जो ईडी और जो आईटी है, यानी कि इनकम टैक्स विभाग है, इसकी लगातार छापेमारी जो है वो जगह जगह की गई है और अहम दस्तावेज अपने कब्जे में उन्होंने लिए हैं। यही नहीं, जो सरकारी अधिकारी जो कंसर्न उस इलाके के थे, दो तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही है। एक अवैध खनन से जुड़ा, जिसके अंदर ये कहा गया कि अवैध खनन पूरी तरह से जो है वो अनियमितताएं वहां पर देखी गई हैं। अवैध खनन के लिए हालांकि लाइसेंस जरूर जो है वहां के जो मालिक हैं उस क्रशर के, स्टोन क्रशर के, उनके लाइसेंस जरूर वहां पर मिला है, लेकिन जो तय सीमा है उसके बाहर तक जाकर जो है वो भूमि अधिग्रहण की गई। और उसके बाद वहां से जो है वो आप ही कह रहे कि कई तरह की आपत्तियां जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो उठाते नजर आ रहे हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, क्या कुछ कहा है जयराम ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर, एक बार वो आपको सुनाते हैं। इस बात को लेकर के है, कुछ जगह इनकम टैक्स ने, कुछ जगह ईडी ने कार्रवाई की है हिमाचल प्रदेश में, और संभवतः वो सारी कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, वो कार्रवाई कुछ व्यवसायियों के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सूचनाएं छन करके आ रही हैं, जो जानकारी के रूप में आ रही हैं, उसमें बातें यही आ रही है, इसमें भी वो ऐसे लोग हैं जिनको सरकार का बहुत बड़ा संरक्षण। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। साफ उन्होंने आरोप लगाया कि संरक्षण है सत्ता पक्ष का। विकास शर्मा जी, अब चूंकि चुनावी मौसम है, उपचुनाव इस वक्त प्रदेश में हो रहे हैं, 3 सीटों पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन इस बीच ईडी की ओर से कार्रवाई, निश्चित रूप से कांग्रेस भी सवाल उठाएगी। लगातार पूरा जो विपक्ष है केंद्रीय स्तर पर, वो लगातार कह रहा है कि सरकारी जो सरकारी एजेंसियां उसका दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश हो रही है। उपचुनाव के बीच इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, सत्ता पक्ष का तो साफ तौर पर कहना है कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, दरअसल इससे पहले की भूमिका आप देखिए विपक्ष की, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले राज्यसभा का चुनाव होता है, क्रॉस वोटिंग होती है, किसी तरह से अंतरात्मा की आवाज सुने जाने का दावा यहां पर किया जाता है विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के जो राज्यसभा में कैंडिडेट थे हर्ष महाजन, उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि जो भी हर्ष महाजन जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश में उनकी छवि रही है। ऐसे में जो दिग्गज नेता जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह, उनके बहुत ही करीबी वो माने जाते रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सब उनके संपर्क में लगातार थे, उन्होंने बहुत ही तरीके से उनसे बात की और उसके बाद अंतरात्मा की आवाज सुने जाने की बात की कि सरकार से विधायक और ये तमाम लोग जो हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह की बातें आप सबने सुनी, सबने ये चीज देखी है, उनके बयान भी सबने सुने हैं। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चला और उसके बाद मुख्यमंत्री और पूरी तरह से सत्ता पक्ष एकजुट होकर ये बात कह रहा था, एक सुर में ये बात कह रहा था कि बड़े पैमाने पर पैसे का खेल हिमाचल प्रदेश में हुआ है, राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त यहां पर हुई है और एक तय षड्यंत्र के तहत ये हिमाचल प्रदेश में इस समय सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब इसके पीछे क्या तथ्य है, एक तरफ मामला जो है अभी बालूगंज जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उसका मामला दर्ज कराया गया है, संजय अवस्थी जो कि विधायक है सीपीएस भी है, और दूसरी तरफ जो मनाली के विधायक है उनकी तरफ से भी ये बात यहां पर कही गई है, ये FIR दर्ज कराई गई है, उसके ऊपर अभी फिलहाल जांच चल रही है। कई जो और राज्यों के भी ऐसे लोग हैं जो प्रतिष्ठित लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है, और 4 विधायक जो है उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है जो कि अभी हाल ही में चुनाव जो है वो यहां पर हारे हैं। लेकिन अब के चुनाव बेहद ही दिलचस्प है, एक तरफ मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी खुद
चुनावी मैदान में है, देहरा से चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ आशीष शर्मा इंडिपेंडेंट विधायक हैं और आशीष शर्मा इससे पहले जब चुनाव उन्होंने जीतकर वो विधानसभा पहली बार पहुंचे थे तब भी वहां पर राजनीतिक समीकरण बेहद अलग थे, उनका दबदबा था और इस समय यही देखना होगा क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल जो है वो जरूर बन गया है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नादौन से है यानी जिला हमीरपुर से है, तो ऐसे में हमीरपुर जो शहर है, हमीरपुर जो सदर की सीट है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और कांग्रेस ये मान रही है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे, बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट आपके सामने। ईडी मामले पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है, हितैषी को लाभ देने के लिए ये नियम बदले जा रहे हैं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईडी मामले पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है, सत्तापक्ष विपक्ष की ओर से लगातार एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, हमले का दौर देखा जा रहा है, तो सुधीर शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने जो दबिश दी, छापेमारी हुई कुछ क्रशरों पर, कुछ जो है वो होटल मालिक हैं उनके ऊपर, और कुछ जमीनों का जो लेन देन प्रदेश के अंदर हुआ है, और ये सब लोग मुख्यमंत्री कार्यालय, उनके चुनाव क्षेत्र और मुख्यमंत्री के करीबी लोग जिनके ऊपर ये छापेमारी हुई, बहुत सारे तथ्य निकल कर सामने आए हैं, कई जमीनें, बहुत सारी धनराशि और भी अन्य सामग्री जो है वो इन ठिकानों से मिलने के बाद जो है जब तथ्य सामने आए हैं, तो ये पहली बार इस पहाड़ी प्रदेश में, देवभूमि में ये हुआ है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो अभी केवल 16-17 महीने की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की, उसके संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार जो हुआ ये उजागर हुआ है, और प्रदेश के लोग खुद स्तब्ध हैं कि इस प्रकार से कैसे इतनी खुली छूट जो है वो भ्रष्टाचार को दे दी गई है, जहां पर जो है वो टेंडर मैनेज किए जा रहे हैं, जहां पर जो है वो अपने हितेशियों को जो है वो लाभ देने के लिए हर प्रकार के नियम बदले जा रहे हैं, तथ्य सामने आने पर पूरी तरह से बौखलाहट जो है वो पूरे सचिवालय के अंदर है, और ये जब जनता के सामने अब रखे जाएंगे तो जनता को सच्चाई पता लगने वाली है कि किस प्रकार से जो झूठी 10 गारंटियां देकर के कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने इस प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। के साथ गृहमंत्री के साथ उनकी मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी, ईडी सीबीआई के छापे कांग्रेस इसे किस तरह से लेगी? देखो, मैं जयराम जी किससे मिले किससे नहीं मिले ये उनका विषय है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर ठीक है, वो मिले होंगे। अब ईडी अगर जो ने अपना काम करना है, इनकम टैक्स आईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करना, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर ठीक है, नॉर्मल होती है, ये भी एक प्रोसेस है, एक राजनीतिक जो ड्रामा है, राजनीतिक जो एक कल्चर है उसका हिस्सा है ये, उस कल्चर के तहत, उस हिस्से के तहत हिमाचल प्रदेश में आई है। अब उनके हाथ क्या लगा क्या नहीं लगा वो तो समय आगे की बात है, मगर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कोई निमित्ता है या कोई ऐसा हुआ होगा। काजी, आप सुन रहे थे कि किस तरह से सुधीर शर्मा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकार है वो लगातार संरक्षण दे रही थी, जिस पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी तरफ आप सुन रहे थे हर्षवर्धन चौहान किस तरह से प्रतिक्रिया देते हुए सामने आए। इन दोनों चीजों को सुनकर, इन दोनों बातों को सुनकर के आप क्या कुछ, इसका हम क्या कुछ मायने निकाले? देखिए खुशबू, लगातार, क्योंकि देखिए जो सुधीर शर्मा है कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, और अब जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था कि राज्यसभा वोटिंग में क्रॉस वोटिंग करने वाले एक बड़े
नाम जो है के तौर पर सुधीर शर्मा को भी कहा जा रहा है, देखा जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी से इन्होंने उपचुनाव जो है वहां पर धर्मशाला में लड़ा, जीत इनकी हासिल इन्होंने की और उसके बाद विधायक के तौर पर जो है विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन इसी बीच हमला जो है वो उनका बिल्कुल नहीं थमा है, वो लगातार हमले कर रहे हैं और इन हमलों के बीच में वो लगातार मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जानबूझकर संरक्षण जो है वो अपने करीबियों को दे रहे हैं और इस तरह से निशाना लगातार मुख्यमंत्री पे जो है वो साधा जा रहा है। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो कोई जो कैबिनेट मंत्री हो उनकी अलग अलग बात कर ली जाए या फिर जो संगठन के बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि विपक्ष गलत तरीके से राजनीति जो है वो हिमाचल प्रदेश में कर रहा है और ऐसे में एक तय षड्यंत्र के तहत सत्ता को गिराने की यानी कि सरकार को गिराने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। और इसी तरह के समीकरण जो है वो आज दिखाई भी दे रहे हैं। सुधीर शर्मा ने हाल ही में अपना एक प्रेस नोट जो है उनकी तरफ से जारी किया गया था, वक्तव्य जारी किया गया, उसके बाद उनका बयान भी सामने आया था एक वीडियो के जरिए। उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है उसका एक टेंडर हुआ था हिमाचल प्रदेश में, वो टेंडर 175 करोड़ का था जबकि उसे बढ़ाकर 245 करोड़ यहां पर किया गया। तो बड़े स्तर पर इस तरह का झोलमाल जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो बिजली विभाग है उसके अंदर यहां पर हुआ है। और क्या इसके पीछे कारण रहे हैं, क्या जो जांच एजेंसियां हैं जिस तरह से ईडी की अगर बात की जाए या फिर जो आयकर विभाग है वो लगातार दबिश जगह जगह पे दे रहा है, तो ऐसे में क्या उनके दायरे में ये तमाम जो घोटाले हैं क्या ये भी उनके जांच के दायरे में होने चाहिए, इसको लेकर बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। और निश्चित रूप से ये कहा है कि राजनीतिक संरक्षण जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इन सभी लोगों को दिया जा रहा है जो इस तरह के घोटाले या फिर राज्य सरकार के जो खजाना है उसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहे हैं। अपने अपने तर्कों और अपने अपनी बातों के साथ एक दूसरे को जो घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अभी तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या तथ्य सामने आते हैं इन पूरी कार्रवाइयों के आधार पर इस जांच के बाद, यह देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर प्रदेश का सियासी पारा जरूर बढ़ गया है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।